हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। तो फर्स्ट हम आए शॉपिंग करने, तो हमने बहुत सारी चीज़ें ली। उस दिन का व्लॉग में भी हमने लिया था, बट बहुत सारी चीज़ें लेनी बाकी थी तो हमने वो भी लिया। फिर हम मार्केट गए, वहाँ से फ्लावर्स लिया, फिर दूसरे मार्केट गए, मिठाई लिया, फिर दूसरे मार्केट गए, फिर वहाँ से हमने बहुत सारी वेजिटेबल्स ली। और फिर ये सब करके मैं चली गई जूही दीदी के यहाँ और उनकी हेल्प की रंगोली बनाने में। हम दोनों ने मिलकर रंगोली बनाई यहाँ पे। सो मैं ये वीडियो फास्ट कर दिया ताकि आप फटाफट देख लो, बहुत ज़्यादा आपको वेट ना करना हो। तो यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी बनाया क्योंकि मुझे अपने यहाँ भी बनाना था, फिर यहाँ भी बनाना था, फिर हमें रात की भी तैयारियाँ करनी थी। तो मैंने ये फटाफट एक रंगोली इधर साइड में रेडी किया जो कि गेट के जस्ट बाहर। तो ये रंगोली बहुत ही इजी है, आप भी देखो तो आप भी बना सकते हो क्योंकि कोई भी बना सकता है। मैंने फटाफट वाले डिज़ाइंस चूज किए थे। फिर ये हमने फटाफट कंप्लीट किया और जो साइड बाय साइड जूही दीदी भी मेरी हेल्प किए जा रही थी, वो सभी चीज़ें मुझे निकाल के फटाफट दे रही थी और वीडियो भी शूट कर रही थी साथ ही साथ। वाले डिज़ाइन मैंने बहुत ही इजीली अपने फिंगर्स से ही बना दिया। गुड गुड, ये बंद कर दो भाई। और हम यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं, दीदी यहाँ बना रही है और मैं भी बना रही हूँ, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग और ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे। थोड़ी सी रंगोली बना ली है बाहर की गेट की और बाकी हम बनाएंगे अभी, और थोड़ा पेट पूजा भी हो जाए। सो मैं खा रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं और डेकोरेशन बहुत ही सुंदर हुआ है और मेरा DIY भी बहुत अच्छा हुआ है। तभी मैं रेडी होकर तभी खाऊंगी और अभी हमें दिए भी लगाना है।
बहुत सारे काम हैं, तो अभी मैं सब दिखाऊंगी, जितना शूट हो पाया उतना ही दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ी बिजी हुआ है, बहुत सारे काम करना है, तो मैं अभी दिखाती हूँ। सो ये हमारा DIY है और हमने ये खुद से बनाया है, लोटस से लेकर सभी चीज़ें, और इसका प्रोसेस वीडियो भी मेरे चैनल पर आएगा। और अब मैं जूही दीदी के फ्लैट से अपने फ्लैट पे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ भी बहुत सारा काम करना है, पूजा वूजा करना है, सो मैं वहाँ जा रही हूँ, फिर आऊँगी, तो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मास्क लगा लिया जाए, बहुत पॉल्यूशन है। इसके बाद हमें रंगोली भी बनानी है, तो रंगोली बनाते हैं फिर।
फिर मैंने फ्लावर से थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, जैसे कि प्यारा लगता है। और लक्ष्मी जी के पैर तो शुभ होते हैं, तो इन्हें तो आप बनाएं भले आपको ना आता हो रंगोली बनाने बहुत ही, लेकिन बट आप ये सिंपल सा रंगोली बना सकते हो और बहुत ही अच्छा लगता है ये दिवाली पे। पूजा हमने ख़त्म कर ली है और यहाँ पे भोग भी लगा दिया है और यहाँ पे छोटी सी रंगोली भी बनाई है, बहुत ही प्यारी सी। तो हम जाएंगे, मैंने सभी जगह दिए रख दिए है और चला दिए है, तो मैं और जूही दीदी बहुत ही तैयार वैयार हो के पूरी बना तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। यार ये भी आ गया तेल के, और मैं जल्दी बनाना था क्योंकि हमें फिर बहुत सारी चीज़ें करनी थी, जो अभी करनी थी अभी रखना था, तो मैंने अभी फटाफट और ये बनाने के बाद हमने कुछ कैंडल्स अपने रेडी किए जो कि आजकल बहुत वायरल हो रहा है, सो वाटर कैंडल, तो वो भी हमने बनाया। उसके बाद हमने कुछ एस्थेटिक सा लुक देने के लिए स्पॉन में वाटर डाला, फिर उसमें फ्लावर्स डेकोरेट किए और उसमें कैंडल रखी है, इसलिए बहुत ही प्यारा लगता है और ये फ्लावर तो मेरा फेवरेट है। अब रेडी है, यहाँ पे मैंने सब दिए और रंगोली वोली रेडी कर दिए, फ्लावर से डेकोरेट कर दिया और दीदी यहाँ पे सभी जला रही है, और फिर हम उसके बाद थोड़ा फोटोशूट करेंगे और थोड़े बहुत फुलझड़ी जलाएंगे और लैम्प भी छोड़ेंगे, तो देखते रहिए। इसके बाद मैंने भी कुछ दिए जलाए हैं, और मैं बहुत शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं मोमेंट को इंजॉय कर रही थी, तो मेरे पास जो भी क्लिप्स होंगे वो मैं ऐड कर दूँगी, सो आप देख लेना और अब आप भी सो जाओ।